सीता ते मम कृत अपमाना, कटिह तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम मानी, सुमुखि होति नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ करि कर सम दस कंदर। सो बुझ कंठ गि तव असि घोरा, सुन सट असि प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसति बसि मर धारा, कह सीता हरु मम दुख मारा। सुनत बचन कुनि मारन धावा, मैं तनया कहि नीति बुझावा। कैसि सकल निसि चरहि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहि जाइ। मास दिवस मम कहा न माना, तामे मार बिकाड़ कृपाना। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिसाचिन बृंद। सीतहि त्रास दिखावहि, तरहि रूप बहु मंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। नत जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ करि कर सम दस कंदर। सो बुझ कंठ गि तव असि घोरा, सुन सट असि प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसति बसि मर धारा, कह सीता हरु मम दुख मारा। सुनत बचन कुनि मारन धावा, मैं तनया कहि नीति बुझावा। कैसि सकल निसि चरहि बुलाइ, सीतहि बहुविधि त्रासहि जाइ। मास दिवस मम कहा न माना, तामे मार बिकाड़ कृपाना। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिसाचिन बृंद। सीतहि त्रास दिखावहि, तरहि रूप बहु मंद। सियावर